पर बिक जाती है ना, वो महिला तो गंदी होती है। हम लोग तो घूस पर बिकने वाले नहीं है, हम लोग तो ईमानदारी पर चलते हैं। जो ईमानदारी पर चलता है ना, सच्चाई का जीत होता है। अच्छा, आप लोग जिता दीजिए। जिताएंगे ना, काहे जिताएंगे। अच्छा। जिताएंगे, जो ऐसी महिला है तो काहे ना सपोर्ट करेंगे। और जो नहीं सपोर्ट करती है तो गंदी आदमी है, जो अच्छा आदमी को नहीं सपोर्ट करेगी। और जो अच्छी आदमी है उनको नहीं सपोर्ट करेंगी। जो जीत जाएगी घर छोड़ के भाग जाएगी उनको सपोर्ट करेगी। सो है सब। दूसरा आदमी घर छोड़ के भाग जाएगा, तब जो जीतेंगे तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो घर यही रहेंगे। ऐसा उम्मीद है आप लोग? हाँ उम्मीद है। ठीक है, क्या नाम हुआ? रूना देवी। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाह रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाजितपुर करनैल पंचायत में, और हमारे बीच में है निर्मला देवी जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं अभी नहीं यहां इस पंचायत से। और यहां पे आने के बाद जब मैं मोरवा प्रखंड में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो इनका नाम सुनने को मिला था, इसलिए मुझे यहां पे आना पड़ा। और यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर सैकड़ों के तादाद में यहां पर समर्थक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनके घर पे आवास पे जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं, और इससे इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ आप तक। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए आप मेरा साथ देने के लिए आए हैं। और मेरा प्रणाम स्वीकार मेरे जनता वासियों को, मेरे समाज वासियों को, मेरे बाजितपुर पंचायत वासियों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर वो हमें मौका देते हैं इस पंचायत में सेवा करने का, तो हो सकता है कि कोई महिला प्रत्याशी मेरे जैसा अनुभव न की हो या आत्मबल न उनको जगा हो कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। अच्छा निर्मला जी, आप अगर जनता आपको इस बार अगर मौका देती है तो इन 5 सालों में आप इन लोगों को ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि आप क्या करेंगी, आपका क्या मैनिफेस्टो क्या है, जो यहाँ बाजितपुर करनैल के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं बाजितपुर पंचायत वासियों को ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज में त्रुटि हुई है 5 साल में, उस बचे हुए काम को मैं पूरा करूँगी। वृद्धा पेंशन, आवास, उसके बाद मैं जो शिक्षा का सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे समाज में कमी है, उसको मैं पूरा करने के लिए हर तत्पर हर हमेशा रहूँगी। अच्छा निर्मला जी, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं, तो लोग आपको ही मौका क्यों दें? कारण सवाल तो ये भी है कि आपको ही क्यों मौका दें? मौका इसीलिए कि आपने पंचायत के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो आपको मौका दे लो। जी, मैंने समाज के बीच रहकर अपने बच्चों के साथ जो शिक्षा मेरा था वो योगदान मैं देती रही हूँ हर हमेशा। और मेरे दिल के अंदर ये ललक है कि मैं अपने बच्चे को सही रास्ता हर हमेशा दिखाती रहूँ, और जिस तरह मैं अपने परिवार को सहेज के रखती हूँ उसी तरह मैं अपने समाजवासियों के साथ रहूँ। निर्मला जी, आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से आप इस पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंचायत को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मान के चलिए हमारे गांव में गरीब गुरबा हैं जो सबसे पहले अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, सही स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं। सरकार हर तरह से योगदान दे रहे हैं, शिक्षा के रूप में हो या फिर खाद्य के रूप में अनुदान हो। अभी जान रहे हैं कि हमारा देश पूरे कोरोना महामारी से जूझ रहा था, और उस कोरोना महामारी में मान के चले कि हमारे जो नवयुवक थे वो सभी का रोजगार बंद हो गया और स्थिति बहुत ही बदतर हो गया। उस स्थिति में हमारे सरकार से अनुरोध रहेगा कि हमारे नवयुवक को रोजगार के लिए कुछ ऐसा पहल करे कि अपने देश में अपने गाँव में महिला हो या नवयुवक हो अपने परिवार को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सके। तो निर्मला जी, आप अगर जीतते हैं तो पंचायत स्तर पे अपने यहाँ के जो बेरोजगार है, युवा खास करके युवा वर्ग जो है पढ़ लिख कर अभी बेरोजगार है, तो उनके लिए वो कैसा कदम उठाएंगे? जो मुखिया का जो अपना स्तर हो जो होता है उस लेवल पर आप क्या कदम उठाएंगे? मैं उस लेवल पर ये सरकार से अनुरोध करूँगी, मुझे अल्प आहार नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। रोजगार अगर मिलेगा तो हमारे बच्चों को मान के चले कि एक वक्त की रोटी के लिए हम सरकार से मांगते हैं कि हमें अन्न दिया जाए, और हमारा बच्चा विकलांगता मान के चलिए हमारा समाज विकलांग होते जा रहा है, सरकार पर निर्भर होते जा रहा है। रोजगार मिलेगा तो हम अपने सरकार पर निर्भर होना छोड़ देंगे, हमने परिवार को सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि हमको शिक्षा मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर के अनुदान के रूप में तो सरकार से हमको कुछ नहीं लेना पड़ेगा ना। उस रूप में मान के चलिए कि जो अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम सब परिवार मिल करके सहयोग कर मान के चलिए रोजगार
रोजगार में अपना मन। मैडम आप पंचायत स्तर पे अगर आप मुखिया बन जाती हैं तो पंचायत स्तर पे बेरोजगारों के लिए क्या कदम उठाएंगे ये बताइए? बेरोजगारों के लिए कोई उद्योग लगाएंगे, जैसे कि अभी सरकार हमें अनुदान के रूप में दे रहा है कुटेली उद्योग के लिए, मान के चलिए उसमें महिला भी काम कर रही है और पुरुष का भी साथ मिलेगा, तो उस तरह का सरकार से हम अनुरोध करते रहेंगे कि हमारे समाज में कोई ऐसा उद्योग लगाया जाए क्योंकि महिला भी अपने आप निर्भर होकर के अपना परिवार का भरण पोषण करे, पुरुषों पर निर्भर न रहे। तो आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से बाजितपुर कर्नल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अनुरोध है कि अगर हमें प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहते हैं, अगर हमारा सहयोग उन तक मान के चले कि जो हम जो सहयोग देना चाहते हैं अगर उन्हें अच्छा लगे, तो मेरा नंबर मोतियों की माला एक नंबर पर है, मोतियों की माला के एक नंबर पर बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजय बना। ईवीएम नंबर, ईवीएम का फर्स्ट मतलब एक नंबर पर बटन दबाकर हमें विजय बनना। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। दोस्तों आइए चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो निर्मला जी महिला कैंडिडेट है इनके प्रति लोगों का क्या भाव है, लोग क्या कहना चाहते हैं। उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो लोग जो अभी समर्थक के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इनके बारे में कैसा अपना सोच रखते हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार राय है, मैं ग्राम बाजितपुर कर्नल वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ, बाजितपुर पंचायत का ही हूँ। अच्छा, मैं अभी जो यहाँ पे मैडम जो है जी निर्मला जी, जी जो कैंडिडेट है अभी, तो कैसा कैंडिडेट है? बहुत अच्छा है, शिक्षित है, जुझारू है, हर लोगों के साथ रहते हैं, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, पहले से भाग लेती आई है और ले रही है, सब लोग खुश है इनसे। जनता में कैसा पकड़ है? बढ़िया पकड़ है, विशेषकर महिलाओं में सबसे ज़्यादा पकड़ है। जनता मौका देगी? जरूर देगी, इस बार इनको मौका देगी, और एक नंबर में जो इनका माला छाप है उस पर काफ़ी जोश से लोग वोट देने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे बीच में एक और है, माता जी है यहाँ पे, इनसे भी जानना चाहेंगे ये क्या कहती हैं। क्या नाम है माता जी, क्या नाम है आपका? फुलेश्वरी देवी। फुलेश्वरी देवी, तो यहाँ पे निर्मला जी जो मुखिया कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे आई हैं, तो इसको लोग मौका देगा इस बार? हाँ देगा, हाँ बहुत देंगे। लोगों में कैसा पकड़ है? बढ़िया पकड़ है, बढ़िया पकड़ है, हाँ सब कुछ में लोग कहते हैं सो काम कर देते हैं, जो कहते हैं सो कर देते हैं, इसलिए उसको वोट हम देंगे, सभी देंगे, हम लोग सभी लोग देंगे। दोस्तों क्या नाम है बाबा? हमको नाम है उपेंद्र राम, चौधरी चरण सिंह। अच्छा, चौधरी चरण सिंह के नाम से जाने जाते हैं, काफी अच्छा नाम है। क्या लगता है यहाँ पर निर्मला जी को इस बार मौका मिलेगा पंचायत में? बहुत खुशी से लोग इनका वोट करेंगे। अच्छा, कितने विपक्ष है इनके, मतलब कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं अभी? चार है। चारों में ये एगो बनिया है, महिला भी है, महिला की आवाज को ऊपर उठाएंगे। जी जी, आप लोग मौका देंगे इनको? हाँ, हम लोग बहुत मौका इनके लेवल बहुत मौका से हम लोग इनके रहे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कैसा कैंडिडेट मिले? पहले कभी ऐसा कैंडिडेट नहीं हुआ? नहीं, कोई इतना सूझबूझ वाला कोई कैंडिडेट नहीं, इनका इतना काम करने वाला कोई कैंडिडेट। दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए बात करते हैं सबसे, क्या कहते हैं, क्या नाम है भैया? सुंदेश्वर कुमार। सुंदेश्वर मैडम के घर पे आप लोग आए हुए हैं, कैसा कैंडिडेट है? एक कैंडिडेट बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, जीत जाएंगे इस बार? इस बार जीत जाएंगे, इनका 90% चांस है जीतने का। आप लोग काफी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ पहुँचे हैं, इनका समर्थन बहुत पंचायत से बहुत ज्यादा है। मैडम बुलाई थी, अपने मन से आए? नहीं, अपने मन से आए हैं इधर, मैडम नहीं बुलाए हैं। अच्छी कैंडिडेट है इसलिए आए हैं। क्या नाम हुआ? सुंदेश्वर कुमार। दोस्तों हमारे साथ दोस्तों यहाँ पे नौजवान, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है, नौजवान तो काफी अभी बेरोजगार है, मैडम को जिता देंगे तो उम्मीद है? हाँ हाँ, मैडम को जिताने के बाद बहुत सारा उम्मीद है इनसे। अच्छा जी, अब और जरूर जीतेंगे, पूरा युवा का साथ है, महिला का साथ है, जरूर जीतेंगे, बहुत है, 500-600 वोट से भी नहीं, 1000 वोट प्लस से जीतेंगे मैडम। क्या नाम हुआ? रविशंकर राय। क्या करते हैं? हम तो इंजीनियर हैं। क्या, कौन इंजीनियर है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। दोस्तों हमारे साथ और हैं, देखिए एक भाई साहब है, मुरेठा बांधे हुए हैं, काफी ग्रामीण लगते हैं, किसान लगते हैं, क्या करते हैं भाई साहब? हम
मिस्त्री हैं। मजदूर हैं। क्या चीज का? घर वाला जो भी। हाँ, घर वाला आरसीसी। हाँ, राजमिस्त्री। क्या लगता है मैडम, जीत जाएंगे? हाँ मैडम, जीत जाएंगे। हम लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं, बढ़िया काम। कितने लोग इनके सपोर्ट में? इनको सपोर्ट में बुझे ज्यादा से ज्यादा चार अथी में तीन ही इनको 75% लोग इनके। हाँ, 75% में है। कैंडिडेट तो और भी मजबूत है? नहीं, मजबूत है लेकिन सब जीतता है लेकिन कुछ नहीं करता है। ये जीतते हैं कुछ करते हैं, वही लेल हम लोग सपोर्ट में हैं। जो फिर जीतेंगे फिर कुछ करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए यहाँ पे एक और बाबा हैं। क्या नाम है बाबा? मेघन राय। मेघन राय जी, बहुत बहुत अच्छा है। कहाँ आए हुए हैं? यहाँ पर जगह पर आए हुए हैं। जगह पर मुखिया जी के यहाँ आए हुए हैं जी। कैसी कैंडिडेट है? ठीक है। ठीक है, आप लोग इनको जिता दीजिए। हाँ, जिता देंगे। तो क्या सब उम्मीद रखते हैं इनसे बाद में जीतने के बाद? अब जीतने के बाद में तो यही ना, जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, ये सब उम्मीद है। हाँ, और क्या करेगा? विकास उकास खूब करेगा। करे। बाजीतपुर करनाल में इनके जैसा कोई पहले प्रत्याशी नहीं रहा? कोई नहीं था। कोई नहीं था, इसलिए इस बार इनको जा रहे हैं। हाँ, पहले था मंगला टोलिया, ढोल बजाना, वो सब बस। एक और है चाचा यहाँ पर, इनसे भी जाना चाहिए। क्या लगता है मैडम के बारे में बताइए? सही है। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट है। जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे। कितने लोग इनके साथ? 75% है। 75% है। ठीक है, जीत जाएंगे तो मैं जरूर फिर आऊंगा इनका इंटरव्यू लेने के लिए। आप लोग से ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, क्या रहेगा मैडम का? पूरा एकदम पक्का है। क्या काम का उम्मीद? काम बहुत उम्मीद है, बहुत काम करते हैं। जैसे पिछले बार भी मुखिया बने हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग इसलिए ज्यादा इनको चाहते हैं, फैमिली के रहे। हाँ, काम अच्छा करते हैं। इस बार इन्हीं को मौका दीजिए। हाँ, इन्हीं को मौका मिलेगा। क्या नाम है? विनय कुमार। हमारे साथ दोस्तों यहाँ पे एक अंकल भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल? कपिल देव राम। कपिल देव राय। कैसी कैंडिडेट है मुखिया जी? मुखिया जी तो कैंडिडेट है ही, लेकिन हम कार्यकाल इनका समाज से कैसा जुड़ाव है? हम नहीं समझे, ठीक से बोलिए। समाज में इनका कैसा जुड़ाव है? लोगों के प्रति इनका क्या भाव है? समाज में इनका अच्छा निगाह है, समाज को ये देखने वाले कैंडिडेट है। हम लोग जानते हैं जो अच्छा तरह से कैंडिडेट ये आदमी को देखेंगे, जनता को। हम लोग चाहते हैं जिनका वोट दे जितावे। ठीक है। हाँ ठीक है, जीत जाएंगे। अब ये हम भाग्य के बात अभी कैसे कह दे जाएं, जी जीत जाएंगे। लोगों का समर्थन कैसा है ये बात? हमारा समर्थन है जो कि इनको जिताने के लिए। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं यहाँ पे। देखिए निर्मला जी का यहाँ पे देखिए टी शर्ट पहने हुए हैं, नौजवान हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? काफी समर्थक, बड़का समर्थक लग रहे हैं। हम तो समर्थन है ही है, मेरा कहना है। कहना मेरा एक ही तो है कि देखिए, मेरा जो पंचायत है बाइटपुर करनाल, उसमें महिला का जो सीट जो मिला वो भी अति पिछड़ा का मिला। अच्छा, अति पिछड़ा में अगर चार कैंडिडेट है तो सी हो चाहे जो भी हो, जो महिला का सीट जो है उसमें पढ़े लिखे अगर अच्छा कैंडिडेट है तो हमारे निर्मला देवी जी हैं। अच्छा, उनके जैसा अगर कोई भी बनने का कोशिश भी करे तो नहीं बन सकता है। ऐसी सीट है, ऐसी में अगर अच्छे कैंडिडेट हैं तो हमारे निर्मला देवी जी हैं। और रह गया जो ये इनका जो फैमिली जो है, वो सब दिन से चाहे जब से हो, ये हमारे गरीब से हो, अमीर से हो, चाहे जिनसे भी हो, जुड़ने का काम किया है, उनसे अपना हितैषी बनाने का काम किया है, इसलिए बड़का समर्थक है। यस, चलिए दोस्तों हमारे बीच में यहाँ पे हैं, तजुर्बाकार लग रहे हैं, काफी मजे हुए लग रहे हैं। क्या नाम है चाचा? जयकांत राय। जयकांत, सब मजे हुए हैं। क्या लगता है इस बार मैडम जीत जाएंगी? एकदम पूर्ण रूप से जीतेगा। क्या खासियत इनका कुछ बताइए? खासियत तो ये है जो शिक्षित है, सबसे पहला टीचर रह चुकी है, टीचर रह चुकी है कि आंगनबाड़ी में रह चुकी है ये। अच्छा। समझे ना, और लोगों से लगाव इसको बहुत ज्यादा। अच्छा। समझे ना, इसलिए यहाँ के जनता इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे है, सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद है, चाचा भी है यहाँ पर, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या लगता है मैडम का कैसा मामला है? बहुत बढ़िया है, इनका जैसा जो है
हमारे पंचायत में कोई भी आदमी नहीं है, ऐसे कैंडिडेट साहब बहुत सारे हैं लेकिन इनका जैसा कोई है ये नहीं। आप कैसा जनता के प्रति? जनता के सबसे बढ़िया है इनका, जो भी काम करते हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। बाजितपुर करनैल की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? बाजितपुर करनैल में जितने भी हमने जनता जो है वो सब इनका पर सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया मतों से ही आगे रहेंगे। हाँ ये जरूर। मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो बाजितपुर की बाजितपुर करनैल की जो जनता इस न्यूज़ को देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उसको क्या कहना चाहेंगे? हम बाजितपुर की जनता को तो हम सब दिन से यही कर रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट के हम लोग सब मिल करके भारी मतों से विजय बनावे और सब दिन आगे रहे, सब जनता को रखते रहे, जनता से सब मिलजुल कर रहते हैं, ये भी अच्छा बात है। जो अच्छा रहेंगे आज बढ़िया मतों से विजय करेंगे। दोस्तों हमारे साथ एक और यहाँ पे अंकल जी है, आप देख सकते हैं काफी गौर से सुन रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है मैडम का कैसा मामला है इधर। ठीक है हाँ बहुत अच्छा है, हाँ जीत जाएंगे। हाँ आप लोग फुल समर्थन दे रहे हैं? हाँ हाँ एकदम जीत जाएंगे। दूसरा कैंडिडेट नहीं है इनके टक्कर में? ना है तो मगर जीतेंगे। स्वभाव कैसा दूसरे कैंडिडेट? हाँ है, हाँ तो लोग इनको पसंद कर रहे हैं? बहुत पसंद कर रहा है। हाँ पसंद से न जीता। क्या नाम है चाचा? हमको रामचंद्र राय। दोस्तों हमारे बीच में थोड़ा पीछे जाइए हल्का। हाँ पीछे, ये सब सिखाना नहीं पड़ रहा, ये सब खुद करना चाहिए। ठीक है, वो हम काट लेंगे जो बात आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों हमारे बीच में एक और अंकल जी है, काफ़ी गौर से सुन रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मैडम के बारे में, कैसी कैंडिडेट है? ठीक है, बढ़िया है। मतलब उनके घर पे आए हैं इसलिए ठीक बोल रहे हैं या ऐसा ही? ठीक ठाक है, काम करने वाला बढ़िया है। ऐसा लग रहा है घर पे आए तो सामने आए तो? ना ऐसा इस तरह की बात नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ? चरणदीप राय। क्या नाम है चाचा? कैलाश राय। कैलाश राय, क्या लगता है मैडम के बारे में कुछ? देखिए हमारे पंचायत में चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन सबसे पढ़ी लिखी और हमारे पंचायत के काम करने के लिए सबों से मिल करके और वादा करती है कि हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई का जो स्तर गिरा हुआ है उसको हम बढ़ाएंगे और जल जमाव का जो अति पानी से भरा हुआ हमारा रहता है उसमें गेहूँ या धान नहीं होता है उसको नाला बनवाएंगे और बहुत से काम बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। दोस्त हमारे बीच में एक और हैं, या इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है, कैसी है मैडम? बहुत अच्छा है। हाँ जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। आप लोग पूरा दम लगा? हाँ पूरे दम लगाए हुए हैं। 75% 75-90% इनका वोट होने जा रहा है इस बार। जी फिर हम आएंगे चाचा। ठीक है जी, जीतेंगे तो। हाँ बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट, महिला में चार गो में सबसे अच्छे हैं कैंडिडेट। हाँ पढ़ाई लिखाई से सब ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, समाज में इनका पकड़ है। जब जीत जाएंगे तो बाजितपुर की जनता को विकास करेंगे, नवयुवक को शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, जल निकासी की समस्या है उसको देखेंगे। और चार कैंडिडेट है, उनमें सुपर कैंडिडेट है, इनका विचार अच्छा है, इनका समाज से खूब अच्छा लगाव है, इनको जनता पर पकड़ है, जनता में इनका विश्वास है। अच्छा, भारी मतों से जीतेंगे। बाजितपुर करनैल की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? बाजितपुर की जनता को आपके चैनल से एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि इनका एक नंबर में बटन, एक नंबर में चीन है मोतियों का माला छाप। हाँ। बाजितपुर की जनता इनको एक नंबर वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। क्या नाम हुआ? उमेश राय, वार्ड नंबर 4, लोधीपुर नारायण। ठीक है दोस्तों हमारे साथ एक और यहाँ पे अंकल है, इनसे भी जान लेना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, कैसी है मैडम? हमारे तरफ से ये कहना है। हाँ। जो कि हमारे पंचायत में जो ये अभी मुखिया जी लड़ रहे हैं महिला कैंडिडेट में, सबसे सुपीरियर है, सब चारों कैंडिडेट में सुपीरियर है, इनको हम लोग भारी बहुमत से विजय घोषित करना और कर रहे हैं और कर देंगे। पूरा कोशिश में लगे, खुशी में, काफी खुशी में, कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश में हो जाएगा कि हो जाएगा। पहले पास कर दिए, पास कर दिए हम लोग तब। ठीक है दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिला भी हैं यहाँ पे आई हुई है, इनसे भी जानना चाहेंगे वो क्या सोचती है इनके बारे में। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। रंजू देवी मुखिया जी के घर पे आए हुए हैं। हाँ। ऐसी कैंडिडेट है? बहुत अच्छा है। घर पे आए हुए अच्छा इसलिए कि अच्छा नहीं, हम उनको विश्वास है। विश्वास है? हाँ। काम हम करेंगे बाद में जी? हाँ करेंगे करेंगे। हाँ आप लोग काम करवा लीजिएगा ना? हाँ काम करवाएंगे। ठीक है। लोगों के प्रति कैसा स्वभाव, कैसा है इनका स्वभाव?
बहुत अच्छा है, अच्छा है? हाँ। समाज में जाती रहती है हाँ। हाँ। खाली मुखिया गिरी में नहीं जाती है, जाती है हाँ। अच्छा ठीक है। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एक और आंटी है, इनसे भी जाना चाहेंगे। नहीं बोलने आया था तो बोल लीजिए आंटी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी मुखिया है? बनिया है। बनिया है, जीतेंगे इस बार? तो जीतती नहीं। आप लोग जिताइएगा तब ना जीतेंगे। हाँ जिताइए ना की जिता दीजिए। हाँ जिता दे। और सब चार को जो कैंडिडेट है, उसमें से सबसे अच्छी है ये? हाँ अच्छी। हाँ अच्छी है। हाँ क्या नाम है? सरस्वती देवी। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कैसी मुखिया जी है? अच्छे हैं। अच्छे हैं हाँ। आप लोगों का मदद करेंगे? हाँ जी करेंगे। विकास विकास करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ हाँ ठीक। कैसी कैंडिडेट है? ठीक है। ठीक है जी। कैसा उम्मीद रखते हैं इनसे आप? बहुत अच्छा। अच्छा हाँ। जीतने के बाद काम हम करेंगे? जरूर करेंगे। आप पहले किए कुछ ऐसा? हाँ किए समाज में। क्या नाम हुआ? रवीना खातून। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एक और महिला है, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहती हैं? क्या कहते हैं मैडम? कैसी है? अच्छी है, काम करेगी। अगर जीत जाएगी तो आरती उन्नति के लिए तरक्की होगा। अगर ये महिला जीत जाएगी तो आरती उन्नति के लिए तरक्की करेगी। यार क्या करेगी, यार तो सब फॉल्स है। हार सब तो फॉल्स है। दूसरा पहले जो कैंडिडेट रहा है, पहले जो जीता है मुखिया, उसका काम नहीं किया? वो तो ठीक थी, वही ना काम किया तो उनके पद पर ये है। अच्छा वो अच्छा की है तब ना ये भी अच्छा करेंगी। और जो हार हुए हैं उसे तो फॉल्स है। फॉल्स है, खाली झूठे का कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करते हैं कुछ जीत जाते हैं, अपन अपन घर भाग जाते हैं। आ ये लोग तो जीते हैं तो बहुत कुछ किए हैं, समाज के लिए, बच्चों लोग के लिए, गाँव घर के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किए। काफी भारी समर्थक लग रही है यहाँ पे मैडम के प्रति। क्या कहना चाह रहे हैं आंटी? कैसी मुखिया जी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हाँ काम हम करेंगे। हाँ सब काम करेंगे। घूस उसने ना दिए बोल? नहीं घूसा ना। जो घूस पर बिक जाती है ना वो महिला तो गंदी होती है। हम लोग तो घूस पर बिकने वाले नहीं है, हम लोग तो ईमानदारी पर चलते हैं। जो ईमानदारी पर चलता है ना वो सच्चाई का जीत होता है। अच्छा, तो आप लोग जिता दीजिए। जिताएंगे ना काहे, जिताएंगे। अच्छा। जिताएंगे जो ऐसी महिला है तो काहे ना सपोर्ट करेंगे। आ जो नहीं सपोर्ट करती है तो गंदी आदमी है, जो अच्छा आदमी को नहीं सपोर्ट करेगी। आ जो अच्छी आदमी है उनको नहीं सपोर्ट करेंगी। आ जो जीत जाएगी घर छोड़ के भाग जाएगी उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा। सो है सब। दूसरा आदमी घर छोड़ के भाग जाएगा? तब जो जीतेंगे तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो घर यही रहेंगे। ऐसा उम्मीद है आप लोग? हाँ उम्मीद है। ठीक है, क्या नाम हुआ? रूना देवी। दोस्तों हमारे साथ एक और आंटी है, इनसे भी जान लेते हैं। क्या कहते हैं आंटी जी? कैसी कैंडिडेट है? ठीक है। ठीक है, आप लोग का फुल समर्थन है एकदम पूरा? जिता दीजिएगा? हाँ एकदम जिंदाबाद कर देंगे उनका। भेल है तो भेल है, काम हम करेंगे एकदम पूरा, एकदम काम करेंगे एकदम। ठीक ठीक। दोस्तों यहाँ पे महिलाएं हैं वो काफ़ी समर्थन कर रही है यहाँ पे, कह रही है कि इनके जैसा जो है कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कुमार रजक। हाँ? राजन कुमार रजक। क्या लगता है मैडम काम करेंगे? अच्छा काम करेगा। हाँ? किया है बहुत कुछ, किए हैं हमारे लोग के लिए। हाँ क्या सब किए हैं? बहुत चीज किए हैं, फिर मुखिया बनेगा, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ अच्छा कैंडिडेट है सब? हाँ सब से लाख गुना बढ़िया है। जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएगा, निश्चित है। दोस्तों आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जाना चाहेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग है, काफी तजुर्बाकार लग रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहते हैं? क्या नाम है चाचा? उमेश राय। उमेश राय जी सब यहाँ पे काफी है समर्थन में है मुखिया जी के। तो क्या लगता है मैडम अच्छी कैंडिडेट है? ये महिला बहुत सुपर है, सुपर है। ये जल जमाव के हटाने चाहते हैं, बच्चा सके पढ़ाने लिखाने की हाल जानते हैं, उसके आगे बढ़ाने के चाहते हैं, समाज के से हमको समाज बढ़े। ये सुपर मुखिया इस बार जीत जाएंगे? हाँ चांस है। हाँ एकदम 90% चांस है। हाँ चांस है, 90% जीत जाएंगे। हाँ एक और चाचा है, इनसे भी जान लेना। क्या कहना चाह रहे? कैसी है मुखिया जी? जी मुखिया कैंडिडेट कैसी है? बहुत अच्छा है। अच्छा। काम करेगा बहुत ढंग से। अच्छा अच्छा हम लोग का बहुत पसंद है। अच्छा ये उन्नति बढ़ावेगा मुखिया। अच्छा से ऊपर वाला जानेगा। हाँ। बाकी ऐसे तो आदमी बदनाम कर देता है, ये नहीं कुछ करता है, वो नहीं कुछ करता है, बाकी ऊपर वाला जानता है सारा बात को। हम लोग
पूरा हम लोग मान कर चलिए जो उनको पीठ पर है एकदम जान बान से लगा दिए है। अच्छा, राजन मुखिया को एकदम जन्ना होगा तेना जिताएंगे। अच्छा, इनके पति का नाम है ना राजन? मुखिया जी के पति का नाम आए और निर्मला निर्मला देवी के पति का नाम एक नंबर। अच्छा, हम लोग का निर्मला जी को माला पहना देना है। बुरा चाली है। क्या नाम हुआ? सागर राम। सागर राम, सागर राम जी है, इनका कहना है कि निर्मला जी को माला पहना देना है। नाम भी से मिलता जुलता भी है और उनका जो है चुनाव चिन्ह है वो मोतियों का माला छापे एक नंबर पे ईवीएम में। क्या कहना चाह रहे चाचा? इधर आइए लाइट में। हाँ, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? कैसी है मुखिया जी? मुखिया मेरा कैंडिडेट अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास लड़का है, समाज सेवा करने वाले हैं एकदम। उनकी पत्नी जो कैंडिडेट समाज बाबू के मेरा मुखिया बहुत पसंद है। अच्छा है। हाँ, बहुत समाज के लिए है। समाज के लिए काम करेंगे। हाँ, समाज के लिए एकदम डिग्री निर्मला देवी। हाँ, मुखिया बनना चाहिए हम सोच रहे हैं। ठीक, क्या नाम हुआ? महेश्वर महतो। ठीक दोस्तों, हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, काफी तजुर्बाकार लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या लगता है कैसी कैंडिडेट है मुखिया जी? ठीक है, ठीक है, ठीक जीत जाएंगे इस बार। अब देखिए, अब जनता के हाथ में, अब जीतेंगे कि ना जीतेंगे। आप लोगों कैसा उम्मीद कैसा है? उम्मीद तो लग रहा है, लोग उम्मीद पे ही बोल रहे हैं। उम्मीद तो लग रहा है, उम्मीद लग रहा है। इनका कार्यकाल कैसा रहा है? मतलब इनका जो ग्राउंड में जो अपना उनका जो अपना काम रहा है, सामाजिक काम जो रहा है, वो कैसा रहा है? ठीक रहा है, ठीक रहा है, समाज से जुड़ी हुई है जी। है तो लोगों का ज्यादा चांस है इस बार, 75% लोग बोल रहे हैं कि इनका चांस है ज्यादा। क्या नाम हुआ? दिलीप साह। दोस्तों, इस वक्त बाजितपुर करनैल में मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी निर्मला देवी के आवास पर मौजूद हैं, सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे समर्थक भी मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी बेस्ट कैंडिडेट हैं हम लोगों के नज़र में और ये लोग हर संभव प्रयास करेंगे इनको जिताने के लिए। इनका कार्यकाल, ये मुखिया जी जो हैं, निर्मला देवी जो है, ये ग्राम में भी जो काफ़ी प्रचलित है, लोग इनको जानते हैं, सामाजिक काम से जुड़ी हैं और वो पिछले गवर्नमेंट जॉब में भी पहले रही हैं और अब जाके जो है वो मुखिया प्रत्याशी बनी है, लोगों से जुड़ाव है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अब तक अगर आप भी वाजिदपुर करनैल की जनता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और आप अगर निर्मला देवी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थक दूसरे समर्थक तक भी ज़रूर पहुँचाएं, विरोधी तक भी पहुँचाएं, ताकि सभी लोग उनके मैसेज को हमारे चैनल के माध्यम से जान सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अभी तक जनता की आवाज़ आप तक को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए तो जनता की आवाज़ आप तक के नाम से YouTube पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा ले, ताकि हर ताज़ा अपडेट देश दुनिया की आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको पता है कि जनता की आवाज़ आप तक लगातार बिहार पंचायत चुनाव का लगातार अलग अलग प्रखंड अलग अलग पंचायत में दौरा कर रहे हैं, वहाँ के कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको न्यूज़ मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को।